सो हे गाइस, मेरा नाम है माधव। तो सबसे पहली न्यूज की बात करते हैं जो कि है हर्ष बेनीवाल से रिलेटेड। तो आपको पता होगा पहले भी इनकी एक वेब सीरीज आ चुकी है हुज योर डैडी नाम से। तो अब एक और वेब सीरीज ये कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड इन्होंने कुछ स्टोरीज पोस्ट करी है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लोग पूछ रहे हैं कि लोकेश कहाँ है, जैसिका का सेकंड पार्ट कब आएगा। देखो यार, लोकेश है, अभी आएगा सेकंड पार्ट, एडिटिंग चल रही है। मैं एडिट नहीं कर पा रहा अभी क्योंकि मैं कुछ काम से आया हूँ और आपको पता तो लग ही गया होगा। तो मैं आपको बता भी दूं, मैं एक वेब सीरीज कर रहा हूँ, बस इतने बताऊंगा, जिसमें हूँ सुधीर भैया। ठीक है, ओके गाइस, लव यू। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो कि है अमित भड़ाना से रिलेटेड। तो उन्होंने अपने थर्ड सॉन्ग का पोस्टर निकाल दिया जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। इसी चीज से रिलेटेड उन्होंने ट्वीट करा है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तीसरा गाना, ये गाना उनके नाम जो मेरे पास नहीं लेकिन हमेशा मेरे साथ, जो फिकर ना करे जमाने की वो बाप ही होता है, दिल से बनाया है ये गाना, आप देखोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मिलते हैं जल्दी सारी अनाउंसमेंट्स के साथ। और उन्होंने एक स्टोरी भी डाली इंस्टाग्राम पे, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मामला ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इस महीने एक फनी वीडियो और गाना दोनों ही आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आप तैयार रहें, मैंने मेहनत में कसर कभी छोड़ी ही नहीं। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो भाई इंस्टाग्राम पे एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है, जिस अपडेट के अंदर कोई भी फोटोज नहीं अपलोड कर पाएगा। नॉर्मली वीडियोज रील्स वगैरह अपलोड होती थी, वो सब कर सकते हैं पर फोटोज नहीं अपलोड कर सकता कोई। ये अपडेट जल्दी ही आ जाएगा। और उन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू रिसर्च बेसिकली लोग इंस्टाग्राम पे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आते हैं और कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है मार्केट में, बहुत सारी नई नई एप्स आ रही है, वीडियो शेयरिंग एप्स, इसलिए ये अपडेट आ रहा है। तो उस वीडियो में से छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, अगर पूरी वीडियो देखनी होगी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। I want to start by saying we're no longer a photo sharing app or a square photo sharing app. The number one reason people say that they use Instagram in research is to be entertained. So people are looking to us for that. So actually this past week in our internal all hands, I shared a lot about what we're trying to do to lean into that trend, into entertainment and into video. Because let's be honest, there's some really serious competition right now. TikTok is huge, YouTube is even bigger, and there's lots of other upstarts as well. नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो कि KRK से रिलेटेड। तो रोहित चौधरी जो कि एक एक्टर और प्रोड्यूसर है, उन्होंने KRK के ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि KRK गंदे रिव्यूज ना करने के लिए पैसे चार्ज करते हैं और वो ऐसा वैसा अमाउंट नहीं होता, वो काफी बड़ा अमाउंट चार्ज करते हैं। और उसी वीडियो के अंदर उन्होंने KRK की कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाई है जिसके अंदर की वो 25 लाख मांग रहे हैं। उस वीडियो में से छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। KRK इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर डायरेक्टरों से गंदे रिव्यू ना करने के पैसे की डिमांड करता है, ये आपको लाइव अभी सुनाता हूं मैं। भाई जी, वो तो मैंने आपको बोला था क्योंकि आपने बोला मेरा कुछ ऐसा ज्यादा, मेरा तो फिक्स है, सब जगह से वही आता है। वो अनिल भाई बोले तुम्हारा अच्छा दोस्ती है। अरे भाई, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप जो मुनासिब समझो कर लो, मेरा तो फिक्स है, मेरा सब जगह से कोई छोटा हो बड़ा हो मैं सब जगह से वही आता है। मैंने उनको यही बोला भाई, अपना कमाल भाई ने 25 लाख बोला है। आप जो मुनासिब समझो भाई जी, आप अपने हिसाब से देख लो ना, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो कि आशीष चंचलानी के बारे में। तो रिसेंटली उनकी एक वीडियो आई है OTP द लॉटरी, जिसके ऊपर उन्हें काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा था और वो वीडियो कुछ ही घंटों में ट्रेंडिंग 1 पे भी आ गई थी, बट सडनली वो वीडियो ट्रेंडिंग सेक्शन से हट गई। उसी चीज को एड्रेस करते हुए आशीष चंचलानी ने कुछ ट्वीट करे हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हेलो @YouTube India, @YT Creators India, माई रिसेंट वीडियो OTP द लॉटरी सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम द ट्रेंडिंग पेज। वेल ड्रॉप डाउन द लिस्ट इन ट्रेंडिंग सेक्शन इज अंडरस्टैंडेबल, बट सडनली disappearing from the list is really fishy and weird. उसके बाद उन्होंने कुछ stories डाली Instagram पे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। OTP the lottery suddenly trending page से गुम हो गया, top 1 पे trend कर रहे थे हम लोग 2 दिन and suddenly एकदम गायब, पता नहीं क्या हुआ। इसी वजह से views affect हो गए, earnings affect हो गई, but अब मैं क्या बोल सकता हूँ, but मैं ये जरूर कहूँगा कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, ये एक ऐसा experiment था जो हमने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी चलेगा, एंड चल गया। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच ऑफ लव ऑन OTP द लॉटरी। उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट करा जिसके अंदर लिखा, वीडियो स्टिल नॉट बैक ऑन ट्रेंडिंग, सीवियरली अफेक्टेड द व्यूज एंड अर्निंग्स, इट वॉज डूइंग अमेजिंग, मूड ही खराब हो गया। एंड आशीष चंचलानी की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं, उनके एक टीम मेंबर जिनका नाम है अनमोल, उनकी शादी हो गई है, तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो कि डैंक रिशु के बारे में। तो इनकी एक पुरानी वीडियो है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो इसमें से एक क्लिप वायरल हो रहा है, तो पहले वो मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे को इस गंदे धंधे में घुसना ही नहीं है भाई, ये बहन दलदल है, इसमें जितना घुसोगे उतना अंदर गिर जाओगे भाई, लेकिन इस सुमड़ैल की वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू में देख ही जाऊंगा। इंग्लिश में दो शब्द बोल देगा तो क्या
बहुत बड़ा नेता बन जाएगा। तो भाई ट्विटर पे इस क्लिप को ऐड करते हुए द रैंडम इंडियन ने एक ट्वीट करा जिसमें लिखा अ यूट्यूबर हैविंग 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स इज यूजिंग डेरोगेटरी रिमार्क्स ऑन सरदार वल्लभ भाई पटेल। व्हाट डज दी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स थिंक अंटिल एंड अनलेस दे वांट गेट अ बेटर ट्रीटमेंट दे वांट लिसन रिक्वेस्टिंग दिल्ली पुलिस टू टेक प्रॉपर एक्शंस ऑन हिम। और इस ट्वीट को बहुत सारे यूट्यूबर्स ने रीट्वीट करा, गेमिंग गुरु बीबीजे सम्राट भाई लक्ष्य चौधरी, और लक्ष्य चौधरी ने लिखा और ये दूसरों को तमीज सिखाते हैं एंड दिस एंड दैट भाई खुद एंड हो जाओ प्लीज। और डैंक रीशू ने इसका रिप्लाई दिया दो स्क्रीनशॉट्स अटैच करके ऊपर लिखा बट यू सैड यू लाइक द वीडियो लमाओ। एक स्क्रीनशॉट में उन्होंने लक्ष्य चौधरी के साथ चैट दिखाई जिसके अंदर लक्ष्य चौधरी ने लिखा तेरे को फुल सपोर्ट है अपनी साइड से वीरे, और दूसरा स्क्रीनशॉट इन्होंने लक्ष्य चौधरी का कमेंट का दिखाया तो वो कमेंट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये रोस्ट है ब्रो, इससे कभी ना पहले दिक्कत थी ना आज, हेट का सबको पता है और हर कोई ऑफेंड होता है हेट से, तू पहले भी फेवरेट था और आज भी है रीशू। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो कि फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में बताया कि बहुत सारे लोग उनके घर पे आ रहे हैं और कुछ लोग तो बाहर से वीडियो भी शूट करके जा रहे हैं, तो इस चीज के ऊपर उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी है तो वो स्टोरीज मैं आपको दिखा देता हूँ। हे गाइस, एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे प्लीज, और काफी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है प्लीज। अभी मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली वाले घर पे काफी लोग आ रहे हैं, फैमिली है, छोटी बच्ची है, कभी कभी हम लोग अंदर कमरे में होते हैं, बच्ची गर्मी का टाइम है, कभी शी इज़ नॉट वेयरिंग द इंटायर क्लोथ सो शी इज़ रोमिंग अराउंड, तो बहुत लोग कैमरा लेके वो सी थ्रू डोर है हमारा, कल शूट करके भी चले गए थे, बहुत दिक्कत होती है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप घर मत आइए, बाकी आपका जो प्यार मिल रहा है हमें बहुत ही सराहनीय है, बट एज अ ब्रदर बोल रहा हूँ, आपकी भी फैमिली है हमारी भी फैमिली है, तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरी बात मान जाओ प्लीज़। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो कि गेमिंग गुरु के बारे में। तो उन्होंने बताया अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे उनके नाम से फेक वीडियोस स्कैम वीडियोस बना रहे हैं, इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो थंबनेल में उनकी फोटो डाल के कार्डिंग वगैरह भी सिखा रहे हैं। आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कार्डिंग एक इलीगल चीज है, जो भी ऐसी वीडियोस बना रहा है फेक वीडियोस वो उनको स्ट्राइक दे रहे हैं, तो वो मैं आपको स्टोरीज दिखा देता हूँ। सो गाइज, मुझे ये बताना था कि अभी मैं ऐसे यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, फुल एकदम अच्छे से फ्रेश मूड से स्क्रॉल कर रहा था, तो अभी क्या हुआ ना कि बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि कुछ ज़्यादा ही हेटेड वीडियो, कुछ ज़्यादा ही मेरे नाम पे कंटेंट और स्कैम चल रहा था, तो मैं सही गया तो देखा कि एक बंदा M4 ग्लेशियर फूल पता नहीं क्या क्या मेरा फ़ोटो लगा के बेच रहा है, एक मेरा फ़ोटो लगा के कार्डिंग सिखा रहा है, एक बता रहा है कि 2 करोड़ यूसी है मेरे पास और से हम कार्डिंग करते हैं विथ प्रूफ, थंबनेल में पूरा इतना बड़ा बड़ा लिख के भाई बता रहा है कि विथ प्रूफ, और उस वीडियो में कुछ भी नहीं है, नथिंग, वो बस बता रहा है कि कैसे कार्डिंग करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, आओ यहाँ ज्वाइन करो, ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ऐसे करो, भाई ये सब कर रहा था। तो मैंने सिंपल एज दैट कॉपीराइट मारा है अभी उन लोगों को, और 3 का उसमें से चैनल गया, पहला था अर्ज गेमिंग, उसके बाद दूसरा अलाहाबादी, पता नहीं क्या क्या था उन लोगों के चैनल का नाम, इन लोगों में से 3 का चैनल गया है, और 12 घंटे में, नेक्स्ट 12 घंटे में बाकी जितने भी ऐसे चैनल थे, जितने भी हेटरेड चैनल प्लस ये स्कैमिंग चैनल जो भी थे और प्लस कार्डिंग वाला जो भी मेरा फ़ोटो लगा के सिखा रहा था, सभी का चैनल ही डिलीट होगा, ठीक है। डायरेक्ट चैनल 3 का जा चुका है, अभी मेरे पास नोटिफिकेशन आया है सबमिशन यूट्यूब का, तो ख़त्म हो चुका है 3 का चैनल, बाकी का भी चला जाएगा, ठीक है। सो मेरे को यही बताना था, जो भी ऐसा कर रहा है और इन फ्यूचर सोच रहा है कि मेरा फ़ोटो यूज़ करके वो ऐसे ऐसे करने वाला है, तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन जब तक जैसे मेरे नज़र में आएगा ना साफ हो जाएगा भाई, ठीक है। तो बस यार आज के लिए इतना है, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।